हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में, क्योंकि बेटा यहां से भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, सभी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। अगर आपने बेटा कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की हेडिंग लगा लीजिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, विभिन्न शाखाओं के जनक, विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम अरस्तु के बारे में। किसके बारे में बेटा? अरस्तु के बारे में। अरस्तु एक ऐसा वैज्ञानिक है बेटा जिसका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर बेटा बात की जाए जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा है भैया अरस्तु का, क्योंकि अरस्तु को ही भैया जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आपको पता है बेटा जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान एक ब्रांच है बेटा साइंस की, जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसी ही जीव विज्ञान का जनक कौन है बेटा? अरस्तु है। ये नहीं है बेटा कि सिर्फ अरस्तु ने जीवों के बारे में ही बताया था सबसे पहले, इसके अलावा भी बेटा इसने जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बेटा जंतुओं के बारे में भी सबसे पहले बताया था। और बात करें बेटा तो अरस्तु को भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या आपको पता है भ्रूण क्या होता है? देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं भ्रूण के बारे में। वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बेटा भ्रूण के बारे में चर्चा की थी। लैंगिक जनन आप जानते हो, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में दो विपरीत जीव यानी कि एक नर और मादा अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करते हैं बेटा लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? नर होता है और बेटा मादा होता है। नर में क्या पाए जाते हैं बेटा? नर जनन अंग और मादा में मादा जनन अंग। और बेटा जो नर जनन अंग होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? नर युग्मक का। और जो मादा जनन अंग होंगे बेटा वो निर्माण करेंगे भैया मादा युग्मक का। नर युग्मक को क्या कहा जाता है बेटा? शुक्राणु, स्पर्म। और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है बेटा? अंडाणु, ओवा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे इनके बीच में बेटा निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा तो बेटा किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। और इसे कहा जाता है बेटा जायगोट। ये मानव जीवन की पहली कोशिका है, या फिर आप कह सकते हो मानव जीवन की ये पहली ईंट है। मानव जीवन की ईंट भी इसे ही कहा जाता है, और मानव जीवन की पहली कोशिका इसे ही कहा जाता है बेटा। जब युग्मनज ये कोशिका विभाजन के बाद में विकसित होता है, ये विकसित होता है तो विकसित होकर किसका निर्माण करता है बेटा? भ्रूण का निर्माण करता है। क्योंकि कोशिका विभाजन, देखो ये जो युग्मनज होता है बेटा ये एक कोशिकीय संरचना है, ऐसी संरचना जिसका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हुआ है, एक कोशिकीय संरचना।
इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और ये जो भ्रूण होता है बेटा ये बहुकोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय संरचना, दोनों में यही अंतर है। इसमें एक कोशिका होती है, इसमें बहुत सारी कोशिका होती है। अब ये एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका कैसे संभव है बेटा? कोशिका विभाजन के सहायता से, कोशिका विभाजन की सहायता से। तो भ्रूण का निर्माण बेटा कुछ इस तरीके से होता है। ये सारी कहानी आपको समझ में आई? ओके, तो भ्रूण विज्ञान का जनक से कहा जाता है बेटा अरस्तु को, जीव विज्ञान का जनक से कहा जाता है अरस्तु को, जंतु विज्ञान का जनक से कहा जाता है बेटा अरस्तु को। जंतु विज्ञान बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बेटा हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है बोलो। और भ्रूण विज्ञान का जनक भी बेटा किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। बोलो बेटा, क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर? ओके, और बात करते हैं बेटा कोर्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, ये एक वैज्ञानिक है बेटा जिसे आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसे आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे भैया? कोर्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को। वॉन बेयर को क्या कहा जाता है बेटा? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। बोलो, यहां तक की कहानी आपके समझ में आ गई? ओके, अभी तक बेटा क्लास छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तो मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो। सभी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये उपयोगी है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है बेटा अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कोर्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को कहा जाता है बेटा। ऐसे ही बेटा मैं आपको बहुत सारी शाखाएं अभी मैं करवाने वाला हूं। अगले वैज्ञानिक का नाम जानते हैं बेटा, थियोफ्रेस्टस। ये जो थियोफ्रेस्टस है बेटा, इसे कहा जाता है भैया वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में बताया था, वहां पर मैंने बेटा आपको वनस्पति विज्ञान के बारे में भी आपको बताया था। वनस्पति विज्ञान से इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। बोटनी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके, और बात करते हैं बेटा लुईस पाश्चर। बेटा लुईस पाश्चर को कहा जाता है, लुईस पाश्चर को क्या कहा जाता है बेटा? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। क्या आपको पता है बेटा ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? क्या आपको पता है बेटा ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। ये ऐसे जीव होते हैं बेटा जिन्हें मानव की आंख नग्न आंखों से नहीं देख सकती, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को कहा जाता है बेटा सूक्ष्म जीव। और ऐसे जीवों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है बेटा सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? लुईस पाश्चर को कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, और बात करते हैं बेटा अगले वैज्ञानिक के बारे में। बोलो, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक, भ्रूण विज्ञान का जनक, कोर्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, लुईस पाश्चर को कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। इसके अलावा बेटा और बात करते हैं, एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक, नाम सुना है? ल्यूवेन होक, इसका पूरा नाम होता है एंटनी वॉन ल्यूवेन होक। बेटा ल्यूवेन होक को कहा जाता है भैया जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक। बेटा ये भी एक महान वैज्ञानिक थे,
इसका भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, इन्होंने जीवाणु के सबसे पहले खोज की थी, और जो जीवाणु खोजा गया था बेटा वो जीवित कोशिका थी, वो जीवित कोशिका थी बेटा, सबसे पहले वो जीवित कोशिका थी। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी बेटा किसने? रोबोट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। और बेटा ल्यूवेन हुक के द्वारा जो पहली जीवित कोशिका खोजी गई थी वो एक बैक्टीरिया की सेल थी। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेन हुक ने की। इसलिए बेटा इसे कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। और बेटा इसके अलावा ल्यूवेन हुक ने आरबीसी की खोज की है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुक्राणु की खोज की है बेटा। इसके अलावा बात करें, दिखाई दे रहा आपको? हाँ, इसके अलावा बात करें बेटा तो इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की है। इन्होंने किसकी खोज की है बेटा? प्रोटोजोआ की खोज की है। जीवित कोशिका की खोज की है, जीवाणु की खोज की है, आरबीसी की खोज की है, शुक्राणु की खोज की है, प्रोटोजोआ की खोज की है। ये सभी खोजों का श्रेय किसे जाता है बेटा? एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक को जाता है। बोलो बेटा, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ किसके बारे में? ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बेटा, इस ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक। क्या कहा जाता है बेटा? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं धीरे धीरे बोलता हूं लेकिन जो मैं आपको बातें बताता हूं वो बहुत ही ध्यान की होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने क्या कहा? ग्रेगर जेन मॉडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का जनक। अब बात आती है कि भैया ये आनुवंशिकी है क्या? ये आनुवंशिकी है क्या? तो ये तो आपको पता है बेटा कि ये एक शाखा है, ये एक ब्रांच है। और बेटा इस ब्रांच में किसका अध्ययन करते हैं हम? अध्ययन करते हैं बेटा आनुवंशिकता, इनहेरिटेंस या इनहेरिडिटी, और विभिन्नता, और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं बेटा, वेरिएशन। मैंने क्या कहा? आनुवंशिक विज्ञान की एक शाखा है बेटा जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक को इनहेरिटेंस कहा जाता है और विभिन्नताओं को कहा जाता है वेरिएशन। अब बात आती है कि आनुवंशिकता क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती है। देखो, आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना, वो होता है आनुवंशिकता। और विभिन्नताएं क्या होती है? माता पिता में और उनके संतान के बीच में जो अंतर होता है बेटा वो होता है वेरिएशन, विभिन्नता। तो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी का जनक कौन है बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल है। बोलो बेटा, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? ओके, एक नाम और आता है बेटा डब्लू बेटसन। एक नाम और आता है बेटा डब्लू बेटसन। इस डब्लू बेटसन को कहा जाता है बेटा आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, आधुनिक। एक मिनट, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। समझ में आया आनुवंशिकी क्या होती है? आनुवंशिकी एक जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। और माता पिता और संतान के बीच में जो अंतर है बेटा वो होती है वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता। और आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकी। और बेटा इस आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और बेटा आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? डब्ल्यू बेटसन। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना बेटा। हो सकता है आपको ये चीजें आसान लग रही हो लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या फिर NTPC हो या ALP टेक्नीशियन हो या RPF हो या फिर SSC की कोई अदर एग्जाम हो।
SSC GD MTS बहुत सारी SSC के एग्जामों में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा पटवार, पुलिस, नीट तक की एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना। तो जो मैं बता रहा हूँ बेटा महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, आपको लगभग 15 शाखाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, 15 शाखाओं के जनक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी की सारी ही बेटा इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मिस मत करना बेटा, क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ बेटा, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके बेटा, तो मिटा दो। ओके, अब बेटा कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं और हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि कैरोलस लिनियस, इसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी पता है आपको क्या होती है बेटा? क्लास 11th का पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा, नहीं पता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 11th भी पढ़ाने वाला हूँ, 12th भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं इस कंटेंट पर काम कर रहा हूँ 11th और 12th पर। एक निश्चित समय के पश्चात बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्लास 11th फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाएगी, क्लास 12th भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ में, आसान भाषा में, आसान भाषा में बेटा इस YouTube चैनल पर पढ़ाई जाएगी। हो सकता है हमारा ही दूसरा चैनल बन जाए, लेकिन आपको क्लास 11th और क्लास 12th जरूर जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो भैया यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? ओके, और बात करते हैं। देखिए बेटा, हिप्पोक्रेटस नाम सुना है? हिप्पोक्रेटस बेटा ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। हिप्पोक्रेटस ये चिकित्सा विज्ञान का जनक है बेटा, ये चिकित्सा विज्ञान का जनक है। ये क्या है बेटा? चिकित्सा विज्ञान का जनक है। कौन? हिप्पोक्रेटस। इतनी बात क्लियर है? ओके, और बात करते हैं बेटा किसके बारे में? रोबोट हुक के बारे में। नाम सुना है रोबोट हुक का? रोबोट हुक को कहा जाता है बेटा कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, और इस कोशिका विज्ञान का जनक कौन है बेटा? रोबोट हुक है। ओके, और बात करते हैं बेटा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, और विलियम हार्वे को कहा जाता है बेटा रक्त परिसंचरण का जनक। रक्त परिसंचरण का जनक। और कोरलैंड स्टिनर को किसे कहा जाता है बेटा? कोरलैंड स्टिनर, इसे कहा जाता है बेटा रक्त समूह का जनक। रक्त समूह के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे रक्त समूह ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाता है। तो रक्त समूह का जनक से कहा जाता है बेटा कोरलैंड स्टिनर को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण का जनक से कहा जाता है विलियम हार्वे को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक से कहा जाता है रोबोट को कहा जाता है। और चिकित्सा विज्ञान का जनक से कहा जाता है बेटा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बोलो, और मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया कैरोलस लिनियस, इस कैरोलस लिनियस को कहा जाता है बेटा वर्गीकी का जनक। वर्गीकी का जनक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे बेटा कि वर्गीकी क्या होती है एक सही समय आने पर, अभी नहीं। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके, एक चीज और समझ लेना बेटा, हुग्यो ड्यूब्रिज, हुग्यो डी ब्रिज,
ये वैज्ञानिक इम्पोर्टेंट है बेटा, होग्यो डी ब्रिज। इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन का जनक। अब ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या गुणसूत्रों के आकार में जो बदलाव होता है बेटा, वो होता है उत्परिवर्तन। वो क्या होता है बेटा? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होता है। और इसी उत्परिवर्तन का जनक से कहा जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। बात आती है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, कोशिका जो होती है, कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन धागे। ये क्रोमेटिन धागे बेटा कोशिका विभाजन के समय छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है गुणसूत्र। और इन गुणसूत्रों की संख्या में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, गुणसूत्रों के आकार में कोई बदलाव आ रहा है, तो वो होता है बेटा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो आशा करता हूँ बेटा आज की क्लास में जो मैंने आपको जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक आपको पढ़ाए हैं, वो अच्छे से याद हो गए होंगे। गाइज, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स बना लेना, क्योंकि भैया बहुत काम की चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हुए देखे। हर रोज़ आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।